अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मैं बनाऊंगी एक कोरमा की रेसिपी और उसके साथ बनाऊंगी दोस्ती रोटी। बहुत ही ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है, वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। तो चलिए इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले रोटी के लिए आटा गूंद लेते हैं। इसके लिए मैंने गेहूँ का आटा लिया है 2 कप और आधा छोटा चम्मच नमक डाला मैंने, और इसे अच्छे से मिला लें। मिलाने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी दे करके जैसे रोटी के लिए आटा लगाते हैं वैसे ही आटा गूंद लेना है। सॉफ्ट डो रेडी करना है इसके लिए। आटे को अच्छे तरह से गूंद लें और इसे 15 मिनट के लिए इसे साइड में रख देते हैं। और अब चलते हैं, हम अंडे का कोरमा रेडी कर लेते हैं। हमें व्हाइट ग्रेवी बनानी है, इसलिए हमने इसके लिए लिया है काजू लिया है 10 से 12 और 2 हरी मिर्च लिया है हमने, और 9 से 10 बादाम को लिया है मैंने। बादाम के छिलके उतार दिए हैं मैंने। बादाम को भिगोकर इसके छिलके उतार लें। अगर आप चाहें तो यहाँ पर मगज भी ले सकते हैं। इन ड्राई फ्रूट्स को यूज़ करने से हमारी ग्रेवी बहुत रिच बनती है। इसमें मैंने थोड़ा सा दूध डाला है और इन सब को एकदम फाइन पेस्ट बना लेंगे। और ये देखिए, हमारी काजू बादाम और हरी मिर्च की पेस्ट रेडी हो चुकी है। चलिए नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं। यहाँ मैंने 6 बॉयल एग्स लिया है, इसको मैंने बॉईल कर लिया है। और इस ये सारे एग्स पे ऐसे फॉक की हेल्प से आप ऐसे इस पे प्रेस कर दें थोड़ा, इससे सारे मसाले इसमें अब्जॉर्व हो जाएंगे। अगर आप चाहें तो इसमें कट लगा सकते हैं। मैंने खड़े मसाले लिए हैं, 1 बड़ी इलायची, 1/2 टीस्पून ज़ीरा, 4 लौंग, 2 इंच के करीब दालचीनी और 2 छोटी इलायची लिया है मैंने। यहाँ पर थोड़ा सा जावित्री का फूल लिया है और 2 तेज पत्ता लिया है। कढ़ाई हमारी गर्म हो चुकी है और इसमें डालेंगे 1/2 कप तेल, और इसमें सारे बॉयल एग को हम इसमें डाल देंगे और इसे फ्राई करेंगे। मीडियम हीट पे फ्राई करेंगे और इसमें जैसे ही ये गोल्डन सा कलर चेंज होगा इसे हम लोग निकाल लेंगे। इन सब एग्स को निकाल करके अलग रख लेंगे। ये खड़े मसाले इसी तेल में डाल देंगे। जिस तेल में एग को फ्राई किया हमने उसी तेल को अगर यूज़ करेंगे तो उसमें अंडों का उसमें फ्लेवर आ जाता है, तो टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इन मसालों को बस कुछ सेकंड के लिए फ्राई करेंगे। और यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज़ का प्याज लिया था और उसे पीस लिया है मैंने। इसका पेस्ट बनाकर मैं इसमें डाल रही हूँ। पीसने के बाद तकरीबन इसकी क्वांटिटी 1 कप हुई है, और इसे बस 1 से 2 मिनट के लिए इसे फ्राई कर ले भून लेंगे ताकि इसका जो रॉ स्मेल है वो निकल जाए। और अब मैं इसमें डालूँगी 1 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट, अदरक लहसुन का पेस्ट मैं डाल रही हूँ, और इसे भी साथ में भून लूँगी क्योंकि इसे थोड़ी देर के लिए भूनना है, 2 से 3 मिनट, ताकि इसका जो रॉ स्मेल है वो निकल जाएगा। यहाँ पे मैं ब्लैक पेपर ले रही हूँ, 18 से 20 दाने हैं, और इसको बस क्रश करके इसमें मैं डाल रही हूँ। इसका पाउडर नहीं डालना है नहीं, क्योंकि हम लोग ग्रेवी वाइट ग्रेवी बना रहे हैं तो इसमें ब्लैक पेपर को बस क्रश करके डालना है। यहाँ मैं 1/3 कप दही डाल रही हूँ। दही को पहले फेंट लें, उसके बाद इसमें मिलाएंगे। इस पॉइंट पर मैंने गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर दिया था और इसे मैं डाल रही हूँ दही को, जिससे दही फटेगी नहीं हमारी। और इसे भी बस भून लेना है थोड़ी देर के लिए, मीडियम फ्लेम पे ही भूनेंगे। ये सरफेस पे देखिए ऑयल दिख रहा है। और अब यहाँ पर ये हमने जो काजू का पेस्ट रेडी किया था, काजू बादाम और मिर्ची का, वो हम पेस्ट यहाँ पर मिला देंगे और इसे डाल करके भी इसको भून लेना है थोड़ा देर। इसे हम तब तक पकाएंगे जब इसमें से ग्रेवी में से तेल अलग होने लगे। यहाँ पे मैं थोड़ा नमक डाल रही हूँ, नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डाल लें। और इसे बस धीमी आंच पे भूनते जाना है। और यहाँ देखिए हमारी ग्रेवी ऑयल छोड़ रही है, यहाँ देखिए सरफेस पे ऑयल सेपरेट हो रहा है, मीन्स हमारे मसाले भुन चुके हैं। और अब इस पॉइंट पर यहाँ पर मैं मिलाऊंगी क्रीम, ये घर का निकाला हुआ क्रीम है, ये 1/2 कप मैं डाल रही हूँ। आप ये मार्केट में मिलता है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे क्रीम को मिलाना है क्योंकि हमारी ग्रेवी वाइट बन रही है, तो इसलिए यहाँ पे और भी कुछ मसाले नहीं डालूँगी मैं। पता है इसका बेस्ट पार्ट क्या है? यहाँ पर ना हमारी ग्रेवी ना बहुत ही स्मूथ और एकदम रिच सी बनकर रेडी होती है। यहाँ पे मैंने कसूरी मेथी 1 चम्मच डाला है और इसे डाल करके अच्छे से मिला लें। और ये हमारी ग्रेवी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। और अब यहाँ पे जो हमने
एग को फ्राई किया था वो सारे एग इसमें मिला देंगे और इसे बस कुछ देर के लिए पकाएंगे, ज़्यादा नहीं पकाना है क्योंकि हमारी सारी चीज़ें पकी हुई हैं ऑलरेडी। यहाँ पे ग्रेवी को थोड़ा पतला करने के लिए मैं इसमें एक कप दूध डाल रही हूँ, अगर आप चाहें तो यहाँ पे पानी भी डाल सकते हैं। और ग्रेवी को अच्छे से मिला लें, क्रीमी सी हमारी ग्रेवी रेडी हुई है, इसका टेक्स्चर बहुत अच्छा है। मैं थोड़ा सा दूध और दे रही हूँ इसमें क्योंकि मुझे ग्रेवी बहुत गाढ़ी लग रही है, और बस इसे अच्छे से मिला देना है सबको। आप इसे किसी भी खास मौके पे इसे बना सकते हैं, इसे ज़रूर ट्राई करें फ्रेंड्स, बहुत अच्छी बनती है। यहाँ मैंने दो हरी मिर्च डाली है, इसे स्लिट कर दिया बीच से, और यहाँ मैं हरा धनिया डाल रही हूँ और इसे भी अच्छे से सारे मिला देने हैं। और मिला करके बस ये रेडी हो चुकी है हमारी ग्रेवी, बहुत टेस्टी बनती है, बहुत टेस्टी। एक बार आप बनाएंगे ना तो बार बार बनाने का मन करेगा आपका, इसे आप ज़रूर ट्राई करें। ये देखिए ये ग्रेवी हमारी बहुत ही अच्छी। अंडे का कोरमा तो रेडी हो चुका है और अब चलते हैं दोस्ती रोटी रेडी कर लेते हैं। आटों को एक बार फिर से हाथों से मिला लें, मिलाने के बाद इसकी छोटी छोटी सी लोई बनानी है, जैसे नॉर्मल रोटी का लोई बनाते हैं उससे थोड़ा छोटा बनाना है लोई। और ऐसे दो लोई लेना है, दो लोई लेकर के और उसे उसके ऊपर ऐसे घी लगा लेना है, दोनों के ऊपर में घी लगा लेंगे। घी को अच्छे से फैला के लगाना है चारों तरफ से, और इसे लगाने के बाद दोनों लोई को इस तरह एक साथ रख लेंगे, घी वाला पार्ट जो है वो अंदर की तरफ रखेंगे और ऐसे हल्के हल्के हाथों से इसे पलट कर दोनों तरफ से ऐसे सूखा आटा लगा करके बेल लेंगे। और ये देखिए ये बहुत ही अच्छा नॉर्मल सी रोटी की तरह बेल लिए हैं, और इसे तवा पे डालकर इसे सेक लेंगे। दोनों तरफ से इसमें घी लगा करके अच्छे से, यहाँ पे तेल और घी आप जो भी चाहें आप लगा सकते हैं, यहाँ पर दोनों तरफ से तेल लगाकर इसे अच्छे से सेक लें। और देखिए इसकी लेयर कैसे खुल रही है, और ये रोटी हमारी रेडी हो चुकी है। एक और रोटी सेक कर मैं दिखा रही हूँ। नॉर्मल रोटी की तरह सेकना है, ऊपर से ऑयल या घी जो आपको पसंद हो आप लगा लें, और इस तरह से सारी रोटी को रेडी कर लें। सारी रोटियाँ रेडी हो चुकी हैं, तो चलिए अब इसे गर्मा गर्म सर्व करते हैं। बहुत ही आसान रेसिपी है, इसे बनाना बहुत आसान है, जितना ही सिंपल है खाने में उतनी ही ज़्यादा टेस्टी है। रोटियों को इस तरह से खोल लें, ये बहुत ही सॉफ्ट बन कर रेडी होती है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें फ्रेंड्स, बहुत ही बहुत मज़े की बनती है, इसका कोई मैच नहीं। रेसिपी को ट्राई करें और हमारे साथ शेयर करें कि आपकी रेसिपी कैसी बनी है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।